आपने भी आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे जिनको कि स्कूल जाने के नाम से ही कभी पेट में दर्द होने लगता है, कभी सिर में दर्द होने लगता है, कभी अचानक से उनको फीवर भी आ जाता है, और ये उनके साथ अक्सर होता है, और उन्हें हमेशा स्कूल जाने के नाम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन होती है इसे ही स्कूल फोबिया बोला जाता है। तो आज हम इसी स्कूल फोबिया के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, और ये किन बच्चों में स्पेशली अधिकतर पाया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स की जिनको इन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही कुछ थेरेपेटिक टेक्निक्स की जिनको कि यूज़ करके हम इन बच्चों के दिमाग से जो इनका स्कूल जाने का डर है उसको निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्कूल फोबिया। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कूल फोबिया है, DSM बुक 5 में कहीं भी इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आजकल क्लिनिकली हम कई सारे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जिनमें कि स्कूल फोबिया पाया जाता है। तो उसके हिसाब से कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलते हैं जो कि इन बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, हम उसी बारे में आज बात करेंगे। तो देखा जाए तो हर बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल से थोड़ा बहुत डर होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको स्कूल जाने में अच्छा लगता है और वो बहुत खुशी से स्कूल जाते हैं। तो अब ये जो बच्चे जिन्हें कि स्कूल जाने से डर लगता है, ये कुछ ना कुछ कारण बना के, कुछ ना कुछ बहाना बना के जो है हमेशा स्कूल से छुट्टी लेना चाहते हैं। तो ये हमें पहले देखने को मिलता है, उनको हमेशा कभी ना कभी पेट दर्द की शिकायत करेंगे, कभी सिर में दर्द की शिकायत करेंगे जैसा मैंने बताया, और अक्सर उन्हें फीवर भी आएगा। तो ये हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस बच्चे को स्कूल से डर लग रहा है। और सेम टाइम में अगर उसी दिन, जैसे कि आज बच्चे को फीवर हुआ या आज बच्चे को पेट में दर्द हुआ, और थोड़ी ही देर बाद जब स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाएगा, और जैसे 8 बजे का स्कूल है तो 9-10 बजे तक आते आते उसका जो पेट दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और फिर वो घर में आराम से खेलने लगता है। तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो हमारा ये जो सिम्टम है ये कंफर्म हो जाएगा कि उसको सिर्फ स्कूल का फोबिया है। अब हम बात करें कि ये जो डर है ये किन बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। तो स्पेशली जो बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनने कि अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है, जिनके लिए स्कूल एक नई जगह होती है, जैसे कि जो हमारे 2-2.5 साल के बच्चे आजकल स्कूल जाने लगे हैं, तो उनमें ये देखा जाता है क्योंकि उनको एक फियर ऑफ सेपरेशन रहता है। तो इस वजह से ये जो बच्चे हैं ये चिल्लाते हैं, रोते हैं, कुछ ना कुछ टेंट्रम्स करते हैं, सड़क पे लेट जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ये बच्चे जो हैं शुरू में करते हैं, लेकिन कुछ दिन में फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ वो बच्चे जिनको कि माँ हमेशा अपनी गोदी में उठाए रहती हैं, अपने से बिल्कुल अलग नहीं करती हैं और हमेशा उनका हाथ पकड़े रहते हैं, या फिर वो बच्चे जिनको कि केयर गिवर जो हैं, जो उनके केयर टेकर हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, कहीं कुछ भी काम करने से मना करते हैं, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं वो उन पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, और उनके बिना वो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जाना चाहते। तो इन बच्चों में जो स्कूल फोबिया है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा जो कि घर में सबसे छोटा है, उसके 2-3 भाई बहन हैं, वो सब बड़े हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन ये जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो हमेशा घर में रहने की वजह से और उसके भाई बहनों से वो जो सुनता रहता है कि स्कूल जाने पे ऐसा होता है, स्कूल जाने पे किसी को पनिशमेंट मिली, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसको स्कूल के लिए थोड़ा सा डर रहता है। और इसके अलावा वो बच्चे जिनको कि कोई क्रॉनिक बीमारी हुई है, जो वो लंबे समय तक जो है स्कूल से दूर रहे हैं, जैसे 2-3 महीने के लिए उनका ट्रीटमेंट चला, तो ऐसे में क्या होता है फिर उनको स्कूल जाने में डर लगता है। तो ये स्कूल फोबिया इन बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। तो हमने देखा कि ये किन बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। तो नॉर्मली हम देखें तो इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मली बच्चे स्कूल जाने में फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं और रेगुलर स्कूल जाने लगते हैं। कभी कभार उनको डर लगता है जब अगर उनने होमवर्क नहीं किया है, या फिर उन्होंने अपना कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो ऐसे टाइम पर उनको स्कूल से डर लग सकता है, लेकिन इसको हम फोबिया नहीं बोलेंगे। तो ये जो स्कूल फोबिया वाली कंडीशन होती है ये थोड़ी सी सीवियर रहती है नॉर्मल डर की अपेक्षा। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि बच्चे का जब ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि जो KG वाले बच्चे हैं वो प्री प्राइमरी में जा रहे हैं, या प्राइमरी वाले जो हैं वो मिडिल में जा रहे हैं, तो इन समय में क्या होता है उनको स्कूल से थोड़ा सा डर लगता है। कई बार ये जो है ये डर उनका अपने आप ही कम हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में इस फेज में जो डर है वो कम ना होते हुए बढ़ने लगता है। तो ऐसा होता है कि क्लास बंक करने लगते हैं। अब अगर हम कारणों की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, लेकिन जो बच्चे हैं वो किसी न किसी वजह से घर से बाहर जाने में एनजाइटी फील कर रहे होते हैं।
तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कई बार फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे अगर कोई पेरेंट्स है उनका डिवोर्स होने वाला है या डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है वो इस लायक नहीं रहता कि वो स्कूल में अच्छा फील कर पाए। इसके साथ साथ वो घर जहाँ पे कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों के मन में डर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन कंडीशन में भी बच्चों को स्कूल फोबिया होने के चांसेस होते हैं। और वो बच्चे जिनके के पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, बच्चे अकेले ही घर पर रहते हैं अधिकतर टाइम, तो ऐसे लोगों में भी स्कूल फोबिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो स्कूल में जाके अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने पे अपने आप को इन्फीरियर पाते हैं, तो उन बच्चों में भी स्कूल फोबिया होने के चांसेस होते हैं। और साथ में वो बच्चे जो कि पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, जिनकी मेमोरी कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिनके पढ़ाई काफ़ी अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों में भी स्कूल फोबिया होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब भी अगर वो स्कूल जाएंगे तो उनका होमवर्क चेक होगा, या दूसरे बच्चों से जब उनका टेस्ट में कंपेरिजन होता है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है कि उनकी जो है एक पुअर सेल्फ इमेज डेवलप होती है, कि उनको वो कुछ नहीं कर सकते इस तरीके का वो अपने मन में सोचने लगते हैं, और इस वजह से फिर उन्हें धीरे धीरे जो है ये स्कूल फोबिया डेवलप हो जाता है। उसके कुछ और कारणों में देखें तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो घर से जुड़ी ना होकर स्कूल से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, दूसरे बच्चे उनको बुलिंग करते हैं, उनको किसी न किसी बात पे उनको जो है टोकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको स्कूल के प्रति एक डर बैठ जाता है। तो ऐसे कुछ ऐसे डर होते हैं जिनकी वजह से जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे स्कूल ना जाना चूज़ करने लगते हैं, और स्कूल से फिर उनका जो डर है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें कि इन बच्चों में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है एब्डोमन पेन। ये बच्चे हैं बहुत अक्सर जो है एब्डोमन पेन की शिकायत करके स्कूल ना जाने का बहाना करते हैं, तो ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ये हेडेक की कंप्लेन इनको रहती है, कई बार इनको जो है डायरिया होता है, और साथ में कुछ बच्चे जो है वो नौशिया वोमिटिंग की शिकायत करते हैं, और रेयर कंडीशन में ये जो कुछ बच्चे हैं ये ट्रैमर्स यानी कि उनकी जो बॉडी है उनको डर के कारण बहुत शेवरिंग होने लगती है, तो ये शिकायत भी देखी जाती है। अब इसके साथ साथ हमें कुछ मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये जो बच्चे हैं इन्हें रात में नींद ठीक से नहीं आती है, इन्हें डरावने सपने आते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो अपने केयर गिवर के साथ ही रहना चाहते, बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना चाहते। कुछ बच्चों में अंधेरे के प्रति भी बहुत ज़्यादा डर ऐसे कंडीशन में देखा जाता है। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें जो चाइल्ड है उसके साथ सिंपैथी होना चाहिए, और उससे हमें कारण का पता करना है कि उसके ऐसा करने का क्या कारण है, फिर हमें उसको कारण को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे एक्सपोजर थेरेपी। तो अब अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी बच्चे को स्कूल का एवर्जन है तो वहाँ पर हमारा रूब्रिक रहता है माइंड स्कूल एवर्जन टू, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी दो मेडिसिन मिलती हैं, एक है कैल्केरिया फॉस और दूसरी है नेट्रामियोर। इन दोनों ही मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे का स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या है। कई बार जो है कैल्केरिया कार्ब और लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है बच्चों में स्कूल के फियर को दूर करने के लिए। इसके साथ आप ये जाने कि बच्चे का खुद का कैरेक्टरिस्टिक कैसे है और बच्चा जो है वो क्या फील कर रहा है, तो ये सब जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये सब जानने के बाद हम बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं, और जो बच्चा है उसे साइकोथेरेपेटिक टेक्निक यूज़ करके, एक्सपोजर टेक्निक यूज़ करके जो बच्चे को है स्कूल फोबिया से हमेशा के लिए जो है छुटकारा दिला सकते हैं।